हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और मेरे चैनल सीआरके रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी इंस्टेंट स्पेशल बीन्स मटर आलू की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है। सो चलिए देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। सो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं 400 ग्राम, फ्रेंच बीन्स लिए हैं 250 ग्राम और मटर मैंने इसके लिए आधी कटोरी ली है और टमाटर मैंने इसके लिए एक मीडियम साइज का लिया है। बस ये चार चीजें ही मुझे इसके लिए चाहिए। मैं बिना प्याज और बिना लहसुन के इसको बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, उसमें मटर डालूंगी उसे उबालने के लिए। एक ही फ्लेम पे हमें उसे मतलब एक ही सीटी पे हाई फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। सो देखिए मटर हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैं ऑयल डालूंगी आलू और बीन्स को फ्राई करने के लिए। देखिए जब भी सब्जी को फ्राई करके बनाते हैं ना, तो सब्जी बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है, लोग मांग मांग कर खाते हैं। सो इस तरीके से बैच 1 के आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं और आलू को मैं थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करूंगी। सो देखिए हमें आलू को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम जब इसकी रेसिपी बनाएंगे तब भी हम इसको पकाएंगे। सो मैंने इसको थोड़ा ही फ्राई किया है। सो इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लें। अब मैं सेकंड बैच के भी आलू जो मैंने रखे हैं वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से आप फ्राई कर लें, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं, ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम इसकी रेसिपी बनाते हैं। सो देखिए मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फ्राई कर लें। देखिए बात यह है ना कि जब भी रेसिपी को हम फ्राई करके बनाते हैं ना, उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्योंकि एक तो उसमें ऑयल भी रहता है और वो गल भी जाता है। तो उसमें जब ज़्यादा चीज़ें नहीं गलती हैं तो वो बिल्कुल ऐसी, जैसे होता है ना कि कई बार ग्रेवी बन जाती है, वो ग्रेवी सी जो आती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। सो इस तरीके से अगर आप फ्राई करके बनाते हैं सब्जी को तो बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है, लोगों को देखने में भी अच्छी लगती है। और घर में जब भी हमारी चीज़ें कोई हम खाने के लिए रखते हैं, जब तक हमारी आंखों को पसंद नहीं आती है तब तक हम उसे मुंह नहीं लगाते हैं। सो इसी तरीके से अगर आप इस तरीके सब्जी बनाते हैं तो देखने में भी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मन करेगा आपको कि हाँ मैं इसे खा लूँ जल्दी से। और जो आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, बच्चे होंगे, वो भी बहुत शौक से खाते हैं इसको। सो मैंने बीन्स को भी फ्राई कर लिया है। सो देखिए इस तरीके से आप इसे फ्राई कर लें। और मटर भी हमारी रेडी हो चुकी है, उसको सिर्फ एक सीटी में ही पकाना होता है। सो वो पक चुकी है और सो देखिए आलू और बीन्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, कितना बढ़िया इसका कलर आया है ना। सो इस तरीके से जब हम फ्राई कर लेते हैं तो कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है इसके अंदर। सो चलिए अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। अब सो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, 1 पिंच मैंने इसमें हींग ऐड करी है और 1/2 टेबलस्पून में इसमें जीरा ऐड करूंगी। अब थोड़ा सा हम इसको रोस्ट होने देंगे। सो देखिए इस तरीके से आप रोस्ट कर लें इसको, वैसे थोड़ी देर में रोस्ट हो ही जाते हैं। और मैंने जो अब अनियन जो सॉरी टमाटर जो काट करके रखे थे, चॉप करके रखे थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। सो देखिए टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। मसाले इसमें ऐड करेंगे हम, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून यूज़ किया है मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून यूज़ करूंगी और हल्दी पाउडर भी मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून यूज़ करूंगी और रेड चिल्ली पाउडर जो तीखी वाली मिर्च होती है ना, लाल वाली, वो मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून यूज़ करूंगी और नमक मैं इसमें 1 टेबलस्पून यूज़ करूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक या मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से मैंने डाल लिया है और अब मैं इसको चला लूँगी। सो देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया ना इसका। जब हम मसाले ऐड करते हैं और ऑयल भी सेपरेट हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करूंगी। कसूरी मेथी का फ्राई सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो देखिए इस तरीके से आप फ्राई कर लें और अब मैं इसमें फ्राई पोटैटो और बीन्स और मटर ऐड कर दूंगी। सो देखिए बस अब ये सारे ही मतलब कि थोड़े थोड़े हम मैंने फ्राई कर लिया तो ये पक के थे। अब मैं इसको लो फ्लेम पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। बहुत बढ़िया बनेगी, बिल्कुल गलेगी नहीं, ऐसा लगेगा कि जैसे सब्जी गली ही नहीं है, लेकिन जैसे आप छुएंगे इसको तो एकदम गली हुई होती है। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, बहुत जल्दी बन जाती है और फैमिली को भी बहुत पसंद आती है। मतलब सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से, मतलब उनका मन करता है खाने का, इस तरीके से सब्जी ये बनती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। सो देखिए रेसिपी जो है मेरी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करके रखना है। सो देखिए कितना बढ़िया कलर आया ना इसका, ऐसे ही कलर आता है जब आप फ्राई करके बनाते हैं। अब मैं इसको रख दूंगी फ्लेम, आप इसका ऑफ कर दें। वाओ देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। सो इस तरीके से मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो देखिए इस तरीके से इंस्टेंटली ये बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ईजी वे में मैंने इसको बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप मुझे
मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैंने फेसबुक का ग्रुप भी बनाया है, आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो देखिए इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं इसको, इंस्टेंटली बन जाती है। सो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपना ध्यान रखिए।